तो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आज का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं रिपोर्ट राइटिंग, जिसको आर्टिकल बोला जाता है, यानी कि निबंध बोला जाता है। लेकर आए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज का क्या महत्व है। तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल लेकर आए हुए हैं। चलिए बिना देर किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपको फटाफट से बता देते हैं भैया ना। देखिए लिखा हुआ, एक्सरसाइज जो है वो इज़ अ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक्सरसाइज एक फिजिकल एक्टिविटी होती है दैट वी परफॉर्म, जिसको हम लोग करते हैं फॉर रिलैक्सिंग अवर बॉडी, यानी कि अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए हम लोग जिसे करते हैं ना। तो क्या लिखा हुआ है, दैट वी परफॉर्म, जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं फॉर रिलैक्सिंग अवर बॉडी, यानी अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए, एंड टेकिंग अवे, और दूर करने के लिए ऑल द मेंटल स्ट्रेस, यानी हर प्रकार के मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग करते हैं, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है टू डू करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, यानी नियमित व्यायाम करने के लिए ये बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है भाई, इफ़ यू डू एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज डेली करोगे ऑन डेली बेसिस, यानी रोज़ यानी लगातार हर प्रकार से आप एक्सरसाइज करोगे, तो यू बिकम फिट, तो आप क्या हो जाओगे, फिट बने रहोगे। ठीक है, बोथ, दोनों से, फिजिकली और मेंटली, यानी फिजिकली भी फिट रहोगे और मेंटली भी फिट रहोगे अगर आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो। ठीक है, आगे देखिए, एक्सरसाइज आगे क्या लिखा हुआ है भाई, एक्सरसाइज हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, यानी कि जो एक्सरसाइज होती है उससे क्या होता है, हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, काफ़ी तरीके क्या होते हैं, बेनिफिट होते हैं, लाभ होते हैं इन टूडेज वर्ल्ड, यानी कि आज के समय में, आज के संसार में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट हेल्प इन मेंटेनिंग योर वेट, सबसे पहले क्या करता है, इट हेल्प, ये मदद करता है इन मेंटेनिंग योर वेट, आपके वेट को यानी वजन को मजबूत करने में, मतलब वजन को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है। मोर एवर, उससे ज़्यादा, इट आल्सो हेल्प, ये मदद करता है योर रिड्यूस वेट, आपके भार को कम करने में मदद करता है। इफ़ यू आर ओवरवेट, अगर आप ओवरवेट वाले हैं, यानी आपका वेट बढ़ चुका है, तो फिर ये आपके ओवरवेट को ख़त्म करने में मदद करता है। इट इज़ बिकॉज, ये होता है कि यू बर्न कैलोरीज, आप कैलोरी जला देते हो एंड यू एक्सरसाइज, यानी कि आप कैलोरी को क्या करते हो, वेस्ट करते हो जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो इसीलिए ऐसा। इट हेल्प इन डेवलपिंग योर मसल, इट हेल्प यानी ये मदद करता है इन डेवलपिंग, बढ़ाने में योर मसल, आपके मसल को। और इट आल्सो हेल्प्स, ये मदद करता है इन इम्प्रूविंग, बढ़ाने में द ऑक्सीजन लेवल, यानी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, एंड ब्लड फ्लो, और ब्लड के फ्लो को, ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में भी मदद करता है। दस इस प्रकार से रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फॉर ए गुड हेल्थ, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए रेगुलर एक्सरसाइज क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स कि ये आज का ऐसे आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। ऐसे आर्टिकल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसे वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।